हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञ न हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, अपितु इसके साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए ये अत्यंत आवश्यक साधन है। तो ऐसे यज्ञ जिसको संपूर्ण विश्व का नाभि कहा गया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अर्थात यह संपूर्ण वसंधरा या सृष्टि कहें तो उसका यदि सेंटर पॉइंट कोई है तो वह यज्ञ है, अग्निहोत्र होम है। तो ऐसे यज्ञ को जो पूर्ण रूप से पुण्यों का दाता है, पुण्यों को देने वाले हैं, तो ऐसे यज्ञ को जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए विधान किए जिससे कि हम स्वस्थ रहें और ये प्रकृति स्वस्थ रहें, तो उसी यज्ञ को हम आज ये विधान करेंगे, प्रारंभ करेंगे कि यज्ञ हम कम समय में, जिनके पास बहुत कम समय हो तो वो भी कैसे यज्ञ कर पाए, तो उसके लिए ये जो यज्ञ प्रक्रिया है वो हम आज प्रारंभ पुनः करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आचमन पात्र में जल लेकर, अपने दाएं हाथ में हम जल लेकर पान करेंगे। मंत्र के पश्चात ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, पुनः लेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशस्रेर्मय श्रीश्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात बाएं हाथ में जल लेकर अंग स्पर्श करेंगे, अपनी जो वाणी है, अपनी नासिका, नेत्र, कर्ण, दोनों भुजाएं और दोनों पैर, अर्थात संपूर्ण हमारा यह जो देह, कलेवर, गात्र, तनु, शरीर है वह स्वस्थ रहे। जीवे म शरदशतम, श्रृणुयाम शरदशतम, प्रभ्रवाम शरदशतम की जो स्तुति की गई है हमारे जीवन के लिए, उसको हम चरितार्थ करें तो उसी भावना को हम पुनः इस जल के माध्यम से बनाते हैं। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसंतु। तो इस प्रकार से संपूर्ण अपने जो देह, इस पिंड को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए, पूर्ण रूप से इसको आरोग्य नैरोग्य प्रदान करने के लिए ये हम जल, और जल का तो स्वभाव ही शीतलता, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो भगवान मनु भी कहते हैं कि यह जो जल है वो शुद्धि का प्रतीक है, इसका जो स्वभाव शीतलता है, इसको जब हम पान करते हैं तो हमारे शरीर यदि अत्यधिक उष्ण हो गया है, यदि गर्मी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, तो उसको शांत करने का स्वभाव यह जल रखता है। तो इस प्रकार से हमने इस जल को
भैषज्य मानकर ये आचमन किए और अंग स्पर्श किए। इसके पश्चात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। जिनको ये मंत्र पता हो तो इन मंत्रों से करें, अन्यथा कोई भी आपको जो भी भजन या स्तुति गान के रूप में कोई सुक्तियां स्मरण हो तो आप उससे प्रारंभ कर सकते हैं इस देव यज्ञ को। तो हम जो एक वैदिक प्रक्रिया है तो उससे हम प्रारंभ करेंगे। आइए दोनों हाथ जोड़कर ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्रा जा जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन त्यरुक्र पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽवन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोर्रयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम इति स्वस्तुति प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना उपासना हमने की। अब आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप जैसे हमारे जीवन में ज्ञान रूपी शक्ति है, भाव रूपी शक्ति और पुरुषार्थ रूपी शक्ति है, वैसे ही ये दीप भी बाहर प्रकाश देने वाला है। स्वयं तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब इसको हम इसमें अग्नि स्थापित करते हैं तो ये पूर्ण रूप से जितने भी अंधेरा है, जितने भी तमस है, अंधकार है, उसको ये दूर कर देता है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर भी शास्त्र रूपी ज्ञान आता है, हमारे अंदर भी जब पुरुषार्थ का स्वभाव बन जाता है तो हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से प्रकाश से युक्त हो जाता है। तो आइए अब दीप प्रज्वलन करेंगे। तो इस प्रकार से दीपक को घी से हम पहले से ही गीली कर लेते हैं और फिर मंत्र के पश्चात दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः। दीपक हमारे अंदर हमेशा जलता रहे। आज के जो हम समय देखते हैं तो लोग जन्म दिवस तो मनाते हैं, परंतु उस जन्म दिवस में दीप जलाकर उसको बुझा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं यदि उसके पीछे देखें तो दीपक का बुझना मतलब जीवन में जो ज्ञान शक्ति है, जो कर्म शक्ति है, उसका समापन हो जाना है। तो हम जो जन्म दिवस मनाते हैं तो उसमें दीपक तो जलाएं, लेकिन उसको बुझाएं ना, उसको और जलने दें, जिससे कि हमारे जीवन में जो हम जन्म दिवस मनाते हैं तो उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, हमारे जीवन में और बढ़ते जाएं। तो उसी प्रकार से ये हम दीप जलाए हैं। अब शुरुआत में कपूर लेकर जो यज्ञ वेदी उसमें हम स्थापित करेंगे। ओ
वस्वत्योरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्यायादधे। तो ये अग्नि स्थापन हमने की। अब इस अग्नि को अच्छी प्रकार से और उद्भूत करने के लिए और अच्छी प्रकार से इसको प्रज्वलित करने के लिए हम इसमें घी, जिसको सर्पी कहा गया है, सर्पी अर्थात जैसे सर्प का स्वभाव है कि वो वातावरण में जितने भी टॉक्सिक गैसेज हैं उनको वो आहार के रूप में ग्रहण करता है और हमको शुद्ध प्राण वायु प्रदान करता है, वैसे ही यह जो घी है, ये घी भी जो अग्नि में हम इसको जब स्थापित करते हैं तो ये इस अग्नि में सूक्ष्म होकर, इस अग्निमय होकर ये वातावरण में फैलकर हमको पूर्ण रूप से शुद्ध वायु प्रदान करता है, इसलिए इसको सर्पिक कहा जाता है। तो आइए इसको हम अग्नि को और उद्भूत करेंगे, इसको और प्रज्वलित करेंगे। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथामयंच अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। तो ये हमने घी की आहुति समर्पित की। अब इसके पश्चात तीन समिधा, जैसे कल भी हमने बात की कि यह जो समिधा है, ये समिधा तीन अवस्थाओं का प्रतीक है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो तीनों अवस्थाओं में हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो कम नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर उसी प्रकार से उत्सुकता होनी चाहिए, उसी प्रकार से सीखने का सामर्थ्य हो। तो इस प्रकार से ये जो समिधा हम अग्नि में समर्पित कर रहे हैं, तो ये समिधा जैसे अपने स्वरूप को मिटा देती है, तादात्म्यमय हो जाती है, अग्निमय, तो वैसे ही हम भी अपने जो जीवन है उसको इस राष्ट्र निर्माण में, इस भगवान के जो कृति है उस कृति को और सुंदर बनाने के लिए हम पूर्ण रूप से तत्पर रहें। तो आइए समर्पित करेंगे। ओम अयंतयित्म आत्मा चात वेदस्ते नैथ्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। जिनको स्वाहा का अर्थ पता न हो तो स्वाहा का अर्थ मैं बता दूं। इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ कई प्रकार के किए हैं कि सुआह अर्थात शोभन बोलना, सत्य बोले, हम जब भी बोलें तो सत्य, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसन दृशः, कि हम जो भी वाणी अपने मुख से निकालें तो उसमें माधुर्य हो, मधुरता हो, किसी को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार से अपनी वाणी को हम प्रिय बनाएं। तो यह जो समिधा है अगली, इसको हम दो मंत्रों से आइए समर्पित करेंगे। तो जैसे मैं स्वाहा का अर्थ बता रहा था कि शोभन बोलना और स्व आह अपने जो अहंकार है उसको परित्याग कर देना, जैसे ये अग्नि इस समिधा को अग्निमय बना देती है, ये समिधा अपने आप को इस अग्नि में पूर्ण रूप से समाहित कर देती है, वैसे ही हम भी अपने जो भी बुराइयां हैं, जो भी मल दोष हैं, उन सबको हम इस यज्ञ के द्वारा हम दूर करें, ऐसा हम संकल्प लें, ऐसा हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। आइए द्वितीय समिधा समर्पित करेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धा यशोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा समर्पित करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नायेऽङ्गिरसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से हमने तीन समिधा समर्पित की और फिर आगे हम पंच घृत आहुति समर्पित करेंगे, जिससे कि ये जो अग्नि, इंद्र अग्नि, ये और अच्छी प्रकार से उद्बोध हो, जिसमें हम ये जो आप देख रहे हैं मेरे
पास में जो सामग्री रखे हुए हैं इसको हम डालकर इसको और सूक्ष्म बना पाएं, जिससे कि इसके जो सामर्थ्य शक्ति अनंत हो और इस पिंड से लेकर संपूर्ण सृष्टि में संतुलन स्थापित करें। जो भी असंतुलन आ जाता है भूकंप के कारण से, सुनामी के कारण से, या जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग जैसी आज स्थिति आ गई है, तो उन सबको बैलेंस ये कर पाए, तो इस प्रकार से हम इस अग्नि को अच्छी प्रकार से उद्भूत करेंगे। आइए, ओम अयंत यद्मा आत्मा चात वेदस्ते नेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत यद्मा आत्मा चात वेदस्ते नेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत यद्मा आत्मा चात वेदस्ते नेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत यद्मा आत्मा चात वेदस्ते नेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत यद्मा आत्मा चात वेदस्ते नेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। तो ये पंच घृत आहुति हमने समर्पित की। इसके पश्चात आप सामने देख रहे हैं ये जल पात्र, इससे हम जल सिंचन करेंगे। प्रथम पूर्व दिशा में यजमान के जो आभिमुख्य जो भाग है, तो वहाँ पर हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेरुमन्यस्व, फिर यजमान अपने ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेरुमन्यस्व, फिर अपने बाईं ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, अब जो अगला मंत्र है इससे हम यज्ञ वेदी के चारों ओर जो आप देख रहे हैं ईशान कोण, जहाँ दीपक रखा हुआ है, तो वहाँ से प्रारंभ करते हैं और गोलाकार वहीं पर हम जल को धार बनाते हुए छोड़ते हैं। तो आइए करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुना तु वाचस्पतिर्वाचन न स्वदतु। तो ये जल सिंचन, अब इसके पश्चात हम आघार वाज्य भाग आहुति करेंगे। चार आहुति इसमें समर्पित करते हैं, अग्नि के लिए, फिर सोम के लिए, प्रजापति और इंद्र के लिए, और सारे उसी का प्रतीक है जिसको सर्वप्रथम हम ध्याते हैं, अग्नि मेढ़े पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, ऐसे जो अग्नि का भी जो निर्माता है, उसका जो रचनाकार है, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को हम चार आहुति आइए समर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। तो ये आघार वाज्य भाग आहुति। ऐसे तो ये सारे जो मंत्र मैंने बोला, तो इन मंत्रों की जगह आप गायत्री मंत्र से सारे जो घी की आहुति है, समीधा की आहुति है, तो ये सभी क्रिया आप गायत्री मंत्र महामंत्र से कर सकते हैं। तो हम आगे गायत्री मंत्र से करते हैं, जो जैसे मैंने कल भी बताया कि जो जिनके पास कम समय हो, जिनके पास अत्यधिक व्यस्तता हो, तो वो कैसे कम समय में यज्ञ करें और यज्ञ का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें, और जिनको मंत्र ना पता हो, तो गायत्री मंत्र सभी को लगभग भारतवर्ष में पता ही है, तो उससे आप गायत्री
यज्ञ कर सकते हैं, तो आइए हम करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इसके साथ सामग्री क्या होती। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।